बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस आप लोग के लेने के लिए आए, लेने के लिए आए। सीताराम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सही बोलिए, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सत्यम से पूछ रहे थे वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया वो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और उनका कहना है कि आदमी औजार बनाना 10,000 साल पहले सीखा, 2250 BC में, हाँ मतलब आज से करीबन 4,000 साल पहले उसने औजार बनाना है कि नहीं, उससे पहले उसको औजार बनाना नहीं आता था, तो उससे पहले बिल्डिंग बन सकती थी नहीं बन सकती है कि नहीं, इसका मतलब आज से 4,000 साल पहले बिल्डिंग नहीं बन। अब मेरा प्रश्न है आपसे, अच्छा आप बाकी आप शिवम आप क्या करें, MBA कर रहे हैं, अच्छा MBA कौन से ईयर में, आप कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो MBA क्यों बनना चाहते हैं, MBA क्यों करना चाहते हैं, हाँ तो आप चाहते हैं बिजनेस करना, समझ रहे हैं। अब MBA में खर्चा कितना हो पता आपको, अच्छी कॉलेज से करेंगे MBA, IIM सबसे मुश्किल है, IIM का नाम सुने अहमदाबाद का, तो उधर तो करना बड़ा मुश्किल, सिलेक्शन उसमें होना तो बड़ा, समझ रहे हैं। तो आप जनरल कॉलेज से करेंगे कुछ पैसा तो खर्चा होगा ही कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको क्या मिलेगा बिजनेस की टेक्निक सीखने, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, बिजनेस सीखना है तो आप एक मारवाड़ी के पास चले जाएंगे, सच बता रहे, और फ्री में आपको सिखा देगा, MBA करके भी जितना कमाओगे उससे ज़्यादा मारवाड़ी ऐसे कमा दे, आप पता कर लो गांव में देखो कहीं पर मारवाड़ी है ऐसे ही कमाएगा, वो कोई MBA जाता है क्या, वो MBA करने जाता है, और इधर लोग 20-20 साल 20-20 लाख रुपया करके खर्चा करके MBA करते फिर जॉब पाते 1 लाख रुपये का, समझ रहे, लोन चुकाते रहते 12 साल, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अपना पैसा तो पड़ता नहीं है, 20 लाख पढ़ाई कहाँ से करेगा, लोने से करता है ना, बहुत 100 में से 2-4-10% होंगे जो अपना पैसा से करते हैं, 90% तो लोन का पैसा से करते हैं, 2-4 लोग का अलग बात है भाई, पैसा होगा तो अलग बात है, 90% लोन का पैसा से करते हैं, अब 15-15 साल तक लोने चुकाते हैं, 25 लाख का अगर लोन है तो मान लो महीने का 30,000 भी अलग EMI देंगे तो उसका 10-15 साल लग जाता है, लगता है कि नहीं, 1 लाख रुपया भी कमाया तो टैक्स में चला जाएगा 20-30 हज़ार, नहीं 15 लाख का पैकेज दिया तेरे को 20 लाख का तो 30% तो उड़ा देगा, पता है कि नहीं तेरे को, टैक्स के बारे में पता है, 20 लाख का पैकेज दिया तो 4-5 लाख तो ऐसे ही गया, तेरे हाथ में मोटा मोटी 1 लाख आएगा, 30-40 हज़ार EMI खा जाएगा, हाँ कि ना, तो तेरा 15 साल तो ऐसे चला जाएगा, 15 साल में सेविंग क्या हुआ, 15 साल तो तुम उधारी का जीवन जी रहा है बाबा, MBA करते करते 28 साल, 25-28 साल तो हो ही जाएगा, 30 साल हो गया मोटा मोटी, और 15 साल निकल गया किसमें, चुकाते चुकाते, तो 50 साल तक तो तू भिखारी रहा, और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, शक्ति नहीं बचती, फिर पैसा रहता तो भोग नहीं सकते, 50 साल के बाद बढ़िया से कूद सकता है क्या, कूद सकता है कोई कि बढ़िया 50 करोड़ रोटी खाएगा, जब रोटी खाने का दिन था तो उसका समय नहीं था, आज की सभ्यता कैसी हो गई है कि जब जवानी बचपना होता है तो आदमी के पास समय होता है, समझ रहे हैं, स्वास्थ्य होता है लेकिन पैसा नहीं होता, बचपन में क्या होता है, समय होता है स्वास्थ्य होता है पैसा है कि नहीं, और जवानी में स्वास्थ्य होता है पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता, और बुढ़ापे में पैसा होता है समय होता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं होता, तो जीवन में सुखी कब रहता है, जीवन में सुखी रहा कब, इसलिए
जीवन में देखो दुखी दुख। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यही कलयुग का प्रभाव है, समझ रहे हैं? है चार्जर है वहां, ठीक है बैठ जाए। सुनिए, लैंप लेके आ रहे हैं क्या? तो आप लोग बताइए, आज की जो सभ्यता है, आप बताइए पढ़ाई किस लिए करता है? जैसे अभी अब रूम में लाइट चली गई तो अंधेरा डर लगता है कि नहीं? लाइट आते डर कम हो जाता है, हाँ कि ना? पूरी लाइट आ जाएगी तो दम अच्छा लगेगा, सुखी लगेगा। तो विद्या अंधकार को हटाने के लिए, विद्या किस लिए? अंधकार हटते क्या होगा? आपका भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म होगा कि नहीं? बोलिए डर खत्म होगा कि नहीं? आज बताइए, आज की जो पढ़ाई लिखाई है, जितना पढ़ता है डर खत्म होता है? बताइए, पढ़ने के बाद, बीटेक करने के बाद आदमी का डर खत्म होता है? हाँ, खत्म होता है क्या? ज्यादा टेंशन होता है कि इतना पढ़ाई लिखाई किए, बड़ा जॉब नहीं हुआ तो क्या? बहुत सही शिवम, आज तू इतना पढ़ाई लिखाई किया, तेरा डर खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो, सच सच बोलो, बढ़ रहा है। तो पढ़ाई का क्या फायदा हो रहा है? सोचो, आप ध्यान से सोचो, पढ़ाई करके मान लो मेरे को ज्ञान है, मेरा भय खत्म होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। मैं रास्ते से आ रहा हूँ, रास्ता मुझे पता है तो डर लगेगा, रास्ता पता चल जाएगा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो जीवन में ज्ञान अगर सच्चा है तो दो चीज आएंगे, अभय और अशोक। क्या दो चीज मिलनी चाहिए? दुख खत्म होना चाहिए, दुख खत्म हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो घर में टीवी आई, 90 की बात होगी, तो घर में क्या आई? अब आप कितने सुंदर, समझ रहे हैं? तो घर में जब टीवी, मैं समझा रहा था कैसे जीवन में सच्चा ज्ञान आते के साथ दो गिफ्ट मिले, अभय और। अगर ये नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके ज्ञान में कुछ कमी है। अगर मान लीजिए मैं एक घंटा आपसे बातें करूं और आपका भय खत्म नहीं हो, आपका शोक खत्म नहीं हो, इसका मतलब मैं आपको ज्ञान नहीं दिया, आपको चीटिंग किया। क्या दिया? चीटिंग किया। मेरे एक घंटा संग करने से अगर आपके मन में आनंद आया, आपका भय खत्म हो गया, इसका मतलब, समझ रहे हैं? तो सत्संग मतलब ऐसा संग करना, सत्य का संग करना। किसका संग करना? और सत्य का संग का क्या प्रभाव होगा? भय खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा। लेकिन आज समाज में देखिए, पढ़ने के बाद भय खत्म हो रहा है, शोक खत्म हो रहा है। पहले के लोग को टेंशन नहीं हुआ करता था, आजकल इतना टेंशन है, हर एक के मुंह में गुटखा, मेजर कारण है टेंशन। कुछ नहीं होता तो, अभी हम वृंदावन से आ रहे थे, समझ रहे हैं आप लोग के लिए हम वृंदावन से प्रसाद लाए, फिर हम वृंदावन से चित्रकूट गए। कहाँ गए? हम इसे मिलने के लिए जा रहे थे मैहर, लेकिन बहुत दूर हो जा रहा था, तो फिर हमने बोला तुम ही आ जाओ, उतना दूर कौन जाएगा भाई, मतलब समझ रहे हैं? तो बोला ठीक है भाई, मैं ही आ जाता हूँ, समझ रहे हैं? तो चित्रकूट धाम में हम कल रात को पहुंचे, देखे ऑटो वाला भी क्या कर रहा है, दारू पी के रखा था ऑटो वाला भी, क्या पी के रखा है? हम भरतकूप गए, वहां पर भी रात को देखे एक लड़का आया, वो वहां के मंदिर में निवास कर रहा है, और लड़का क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है। जब लोग चले गए, रात को कोई नहीं रहता है, हम लोग रात तक जप कर रहे थे वहां, 9 बजे देखा लड़का जो रूम में रह रहा था, मतलब मंदिर के प्रांगण में रहने वाले निवासी जन क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है, फिर गुटखा खाया, फिर मोबाइल में अश्लील चित्र देखने लगा। मैं जप कर रहा था, दिखाई दे रहा। उसके बाद हम लोग
चित्रकूट आए, वहां पर हमने निवास किया। सुबह हम जाके फिर मंदाकिनी गंगा में स्नान किए और जप करने लगे। जब मैं जप कर रहा था तो मुझे बदबू आई, क्या चीज की बदबू आ रही, तो देखा दो साधु, नहीं दो नहीं तीन, तीन चार साधु पीछे मेरे 10 मीटर पीछे बैठ के हुक्का पी रहे। मंदाकिनी गंगा के घाट पे नहा धो के तिलक लगा के क्या पी रहे, क्या पी रहे हैं? सच्ची घटना बता रहा हूं। मंदाकिनी गंगा के तट पे बैठकर पवन पवित्र नदी में स्नान करके भी क्या पी रहे। फिर बड़ा बुरा लगा, मैं जप कर रहा था, मैं करीबन वहां 25,000 नाम ले रहा था, तो मैं बैठ के जप कर रहा 2-3 घंटे तक। मैंने बुरा बुरा लगा, एक छोटी बच्ची आई 15-20 साल की होगी, और वो शायद कपड़े धो रही थी, वो भी गुटखा खा रही थी। सच्ची घटना बता रहा, आज सुबह की देखी, वो भी क्या खा रही थी। बड़ा दुख हुआ मेरे इधर, समझ रहे हैं, बड़ा दुख हुआ। कारण क्या है? हम लोग का दोष कि हम लोग लोगों को सही से ज्ञान न ज्ञान दे रहे हैं, न उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर मैं मंदिर गया उधर हनुमान धारा, वहां पर भी देखा पुजारी लोग क्या खा रहे हैं, पुजारी होके क्या खा रहे हैं। चलिए साधारण आदमी गलत करे समझ में आता है, वो तो साधारण बने, लेकिन जो भगवान की पूजा करे वो भी ऐसा करेगा क्यों? आज इतना ज्यादा गुटखा खा रहे हैं लोग। मैं जब वृंदावन देखा, वृंदावन में देखा इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था, हरी कथा का नहीं, क्या चीज का लगा था पता है? इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, क्या चीज का? विमल गुटखा। क्या नाम था? नाम क्या रखा है? कलयुग का प्रभाव देखिए, मल को विमल बोल के बेच रहे हैं, गंदगी को। ये विमल गुटखा कैसे बनते हैं आपको पता होगा, पता नहीं होगा, बेंगलोर में बहुत जगह पर जो गंदगी होती है ना, उसी को वो फेंकते, सड़ जाती है, उसको एक जगह से इकट्ठा करके ड्राई करके उसी को उसमें उसका परफ्यूम गंदगी गंदगी निकाल के उसमें से फिर सेंट उंट मार के दे, उसी को लोग खाते। और क्या लिखते हैं? सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली। क्या लिखा हुआ है? कि 25 साल आपको मूर्ख बनाया हम, और बनाएंगे, गोल्डन जुबली ही बनाएंगे। और उसके बाद क्या है, क्या लिखा हुआ है? दाने दाने में केसर का दम। अब सोचिए, मल को विमल बना दिया और दाने दाने में क्या बोल रहा है? दाने दाने में केसर का दम है, मेरा तो मन क्या फाड़ दे। दाने दाने में कैंसर का दम है, किसका दम है? लेकिन उसमें भी क्या लिख दिया है? आप बताइए, क्या सही चल रहा है समाज में? जबकि गवर्नमेंट लिखती है टोबैको कॉजेज कैंसर, गवर्नमेंट बोल भी रहे, लेकिन फिर भी दूसरे लोग मूर्ख बन रहे नहीं सही। और मेजर कारण क्या है ये सब खाने का? टेंशन। और आप जाएंगे कलकत्ता शहर में, दिल्ली शहर में, पुणे शहर, हम बहुत शहरों में प्रचार करते हैं, ज्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां भी आजकल ये सब कर रही, गांव की लड़कियां नहीं करती उतना, लेकिन आज शहर में 50% लड़कियां भी पढ़ने वाली सिगरेट पीती, समझ रहे हैं? मैं बहुत सारे कॉलेज में प्रचार करता हूँ, लड़कियां भी क्या पीती हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। लड़कियां क्या पी रही हैं आजकल? पढ़ी लिखी लड़कियां। जब मैं कंपनी में काम करता था IBM में, पढ़े लिखे लोग सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज्यादा, तो AC चैम्बर में तो आप नहीं पी सकते हैं, तो नीचे उतर के एक स्मोकिंग एरिया था, क्या था? धुआं 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 लोग, समझ रहे हैं? तो वो क्या, उनको ज्ञान नहीं है, लिखा हुआ है टोबैको कॉजेज कैंसर, तो क्यों खा रहे? अगर मान लीजिए आप मेरे को बोलेंगे प्रभु जी ये परसा, ये जो सामान इसमें जहर, तो मैं खाऊंगा? बताइए, अगर मान लीजिए आपको मैं कुछ ला के दूं, बोले प्रभु जी इसमें जहर मत खाइए, तो आप खाएंगे?
कोई खाएगा? और आज पूरी दुनिया खा रही है। आप जाइए यहाँ से कहीं पर भी 100 किलोमीटर दूर, रास्ते में आप देखिए कितनी आपको चावल की दुकान मिलेगी, कितनी गुटके की दुकान मिलेगी। ट्रेन में जाइए, राइस दाल सब्जी बेचने वाला बहुत कम आएगा, और गुटका सिगरेट बीड़ी मसाला क्या बोलते हैं उसको, फैनी, ये सब ज़्यादा बिकती है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरी बात का बुरा मत मानेगा, सच्चाई है जो बोल देनी। हाँ, आपसे पहले ही पूछ लेता हूँ, आप लोग बता दिए सच बोले कि झूठ बोले, समझ रहे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम करे कि कुछ और बोले, बोली असत्य भी बोल सकते, क्योंकि जैसा ऑडियंस मांगता वैसा बोलना है। तो हम गीता से बोले कि झूठ झूठ, बहुत सारी गीता में और भी बातें बताई गई है, हम घुमा भी सकते हैं। तो कितने लोगों को इच्छा है सत्य बोले, तो बोलिए हरि बोल। कितने लोगों को इच्छा नहीं बोली सत्य बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, झूठ बोली। तो आप लोग चाहते हम सत्य बोले, तो सत्य यही है आज समाज की अधोगति हो गई। समाज की क्या हो गई है? जीवन में सबसे पहले गुरु माँ होती है, बच्चे की सबसे पहले गुरु क्या होती है? और फिर पिता, फिर गुरुजन। लेकिन आज दुर्भाग्यवश माँ बाप को पता ही नहीं बच्चा क्या पढ़ रहा है। इस बच्चे को सिखाया जा रहा है कि 4000 साल पहले क्या बना? औजार बना। 4000 साल पहले क्या बना? औजार बना। उससे पहले कोई टूल है कि नहीं? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो रामायण तो सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि रामायण में तो इतने सारे औजार अस्त्र यूज किए गए हैं कि नहीं? बाण यूज किया गया कि नहीं? कितने साल पहले? महाभारत कितने साल पहले हुई? 5000 साल पहले हुई। तो उसमें अस्त्र इस्तेमाल किए गए कि नहीं? अस्त्र तो बने 4000 साल पहले, इसका मतलब महाभारत क्या है? काल्पनिक है। महाभारत जो है क्या है? गलत है कि नहीं? रामायण तो पूरी गलत है। अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चा सत्यम जो पढ़ाई कर रहा है, अगर सही है, इसने खुद बताया कि पहला औजार आज से 2000 साल पहले बना, तो महाभारत के जब अस्त्र जो बने तो बहुत एडवांस, उसमें तो दिया हुआ अस्त्र कैसे हैं, वायु क्रिएट कर देते हैं, पहाड़ बना देते हैं, उससे बारिश हो जाती है, पढ़ा है ना महाभारत में दिया हुआ अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र सुना है? ये घर में परिचित महाराज थे, अश्वत्थामा ने अस्त्र मारा पेट में, तो ये अस्त्र तो 5000 साल पहले बने हैं। तो इतना एडवांस अस्त्र सही हो सकता है? 5000 साल पहले पहला अस्त्र 4 साल पहले बना, पहला टूल, तो इतना एडवांस धनुष ये सब कब बनेगा? उसके बाद ना, तो 5000 साल पहले ही महाभारत हो चुकी है। तो महाभारत सही है गलत है? आपकी पढ़ाई के अनुसार महाभारत क्या सही है? हाँ गलत है। आपको क्या लगता है महाभारत सही है गलत है? हाँ आपको क्या लगता है महाभारत सही है गलत है? बोलिए आपको क्या लगता है? आप भी तो पढ़ी पढ़ाई की है ना, बीटेक में भी तो वही सिखाया गया भाई, हम लोग नहीं सीखे, क्लास 9 की पढ़ाई बोल रहा हूँ, ये 9 में हिस्ट्री सिखाई जाती और सब लोग ने पढ़ी 9-10 में ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या क्या उल्टा पुल्टा पढ़ाता है, समझ रहे हैं? पैलियोन्थिक एज ये सब समझ, आप लोग नहीं समझेंगे वो सब वर्ड्स। तो आपका बच्चा जो पढ़ आपको पता भी नहीं है, आपका बच्चा को सिखाया जा रहा महाभारत गलत है, रामायण क्या है मतलब महाभारत गलत है तो गीता भी गलत है, महाभारत का भाग है ना गीता, समझ रहे? तो गीता में तो अस्त्र शस्त्र का नाम आ रहा है, अर्जुन को भगवान बोले न अस्त्र से मारा जा सकता है आत्मा, न शस्त्र से मारा जा सकता है, तो इसका मतलब गीता क्या है? फाड़ के फेंक दो, गीता को फाड़ के फेंक दो, बेकार है, सही नहीं है, गलत है, काल्पनिक है, अकॉर्डिंग टू सत्यम एंड मॉडर्न साइंस, है कि नहीं शिवम?
तुम्हारा क्या फीलिंग है, गीता बेकार है कि नहीं, गीता काल्पनिक है कि नहीं? नहीं है। कैसे तुम नहीं मानता मॉडर्न इतिहास को जो पढ़ाया जा रहा है? मानते हो तो दोनों चीज कैसे मान सकते हो? दोनों चीज क्या, उसमें बोला पहला औजार बना 4000 साल पहले और 5000 साल पहले बोली गई है अस्त्र शस्त्र फस्त्र, दोनों चीज तो सही नहीं हो सकती। तो आपको जो स्कूल में सिखाया वो सही है कि गीता सही है, बताइए। देखिए क्या स्थिति है, बच्चों को सिखाया जा रहा है गीता काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, महाभारत, और आपको पता भी नहीं क्या आपके बच्चों को, और आप बोलते बेटा थोड़ा पूजा कर लो। पूजा क्या खाक करेगा वो? उसका मन में तो बैठा हुआ सब पागलपन है, सब झूठ है। आप उसको बोलेंगे थोड़ा भगवान को जल चढ़ा दो, थोड़ा सा माला कर लो, थोड़ा आरती दिखा दो, करेगा वो? बोले तो आप अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? जहां सिखाया जा रहा है महाभारत गलत है, रामायण गलत है, गीता। तो बताइए क्या गीता गलत है, क्या रामायण गलत है, क्या महाभारत नहीं गलत है? हमारे बड़े बड़े इतिहास को क्या बोल दिया गया कि बेकार है, काल्पनिक है, और माँ बाप ध्यान दिए एक बार भी कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? हम लोग सोचते बीटेक बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। आप ही बताइए, आप सोच रहे बीटेक बना, क्या बीटेक बन रहा है, क्या उसको बेचारे को एमबीए बना रहे, सब उसको मूर्खता पढ़ाई जा रही है। इसलिए कि सत्य बोल देता हूं, आप लोगों ने बोला सत्य बोले तो बोल दे रहा हूं, समझ रहे हैं? लेकिन आप बताइए आधुनिक शिक्षा क्या कर रही है बच्चे को? इसी के कारण, चूंकि झूठ सिखाया जा रहा है, बच्चे का टेंशन बढ़ रहा है। आज से 100 साल पहले कोई बच्चा पढ़ाई करके सुसाइड किया था? आज IIT में लोग सुसाइड कर रहे हैं, साल में 4-5 सुसाइड है हर IIT में। ये सुसाइड पहले होती थी क्या? सुना है क्या? गरीब रहता था फिर भी कोई सुसाइड नहीं करता था, और आज थोड़ा सा कुछ होता है सुसाइड। आज कैसे पत्नी के साथ रहना ये भी नहीं पता है, हर दो चार साल में डाइवोर्स। पहले डाइवोर्स होते थे कि आजकल डाइवोर्स हो रहे हैं? हाँ, हमारे माँ बाप के समय तो डाइवोर्स सुना नहीं, और आज मैं जितने जगह जाता हूँ, बाप रे बाप, कोई शादी सही से टिक जाए तो बड़ी बात, कोई शादी सही से टिक जाए तो, नहीं तो इतना किचिर 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 किचिर। तो पढ़े लिखे का लक्षण है क्या झगड़ा करना? समझ रहे हैं, पढ़े लिखे का लक्षण है कि भय लगना। आज जो कंपटीशन है जॉब के लिए, बाप रे बाप, ऐसा जानलेवा कंपटीशन, ऐसे कोचिंग में मर रहे हैं एकदम, जैसे पताहा बल्ब में घुस के मर जाता है, मोमबत्ती में आग में, जैसे मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये गलत चीज बढ़ा दी गई है, ब्रिटिशर्स लोग ने साजिश रची है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत तो बड़ा समृद्ध है, सोने की चिड़िया बोलते थे, क्या बोलते थे हमारे भारत को, क्या बोला जाता था, सुना है आप लोग ने? सुना तो तुमने भी है लेकिन तुम मानता ही नहीं, गीता भागवत को मानते ही नहीं तो क्या मानेंगे, सोने की चिड़िया बोलते थे ना। यहां से अंग्रेजों ने नाव भर भर के सोना उठा के ले गए, ना नाव नहीं सिप, जहाज भर भर, रॉबर्ट क्लाइव जहाज भर के सोना लेके गया, मुस्लिम राजा गजनी ये सब सोमनाथ मंदिर से करोड़ों किलो सोना, हजारों किलो सोना लेके गया, फिर भी कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, भक्ति करते थे, भगवान देते रहते थे।
200 साल पहले की बात है, अंग्रेजों ने देखा यहाँ पर कोई भिखारी नहीं थे, भारत में कोई भिखारी, दान देने की संस्कृति थी। 200-300 साल पहले घर में कोई खाने के पहले देखेगा कोई भूखा तो नहीं आसपास। अभी भी कुछ गांव में संस्कृति, कोई आ गया तो अतिथि को खिलाते थे फिर खाते थे, और आज खिलाने के लिए पैसा लेते। पहले कोई होटल होता था, लोग दूसरों को खिलाते थे, अन्न दान होते, क्षेत्र होते थे। अब चित्रकूट हम लोग गए, हाँ तो लवकुश सब भक्तों को प्रसाद खिलाने का प्रयास कर रहा था। पहले अन्न क्षेत्र में फ्री में खिलाया जाता था, साधु महात्मा को फ्री में खिलाएंगे, पैसा भी देंगे, आपने हमारी सेवा का मौका दिया, हमारे घर में कुछ स्वीकार किया। और आज देखिए कैसी संस्कृति, लोग खाते हैं और फिर पैसा भी देना पड़ता, समझ रहे हैं? सिंपल राइस दाल सब्जी का 200-300 रुपए ऐसा लगे, ये कलयुग आ गया। तो पहले के लोग समृद्ध थे कि आज के लोग समृद्ध हैं? पहले के लोग का स्वास्थ्य अच्छा था कि आजकल के लोग? पहले का हवा पानी अच्छा था कि आज का? समझ रहे हैं? पहले के देखिए उनका शरीर आज भी स्वस्थ, 80-90 साल जी रहे, तुम लोग तो नहीं जीने वाला 100 साल, पक्का लिख के दे रहे। अभी मैं गया था कानपुर देहात में, एक गांव में एक व्यक्ति 110 साल के, तो प्रोग्राम के अंदर मेरा स्टूडेंट था, अरे चूंकि पहले के लोग शुद्ध चीज खाते थे, घी खाते थे, आजकल रिफाइंड खाते हैं, क्या शरीर चलेगा? वो रिफाइंड खाने की चीज है, जहर है, समझ रहे हैं? दो बार प्रोसेसिंग करके वो पूरा एकदम जहर। पहले घर में मसाला खुद से बनाते थे, अब सब आज MDH आ गया, हाँ यही सब एवरेज MDH, पैसा भी उल्टा पुल्टा लेता है और सभी सामान भी सही नहीं देते। अब घर का दही खाइए तुरंत घी निकलने लगेगा हाथ से, देखिए खा के देखिए, तुरंत खाते के साथ देखें प्लेट में घी आ जाए। खाइए बाजार का वो 4 महीना पुराना प्रिजर्वेटिव, समझ रहे हैं? तो आप देखिए क्या आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हर एक व्यक्ति को रोग है, 30-40 साल में उसका बैक पेन होने लगता है, बैठे नहीं सकता, चले नहीं सकता, 2 किलोमीटर चला दीजिए, क्या शरीर खोखला हो गया है सकती। हम आजकल के बच्चों सिर्फ जिम जाके बॉडी बनाएगा, नाला है लड़की दिखाएगा बस, और कोई काम नहीं, बाइक चलाएगा वो, समझ रहे? तो खाना अच्छा नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो क्या अच्छा हुआ? आज कलकत्ता शहर में आप जाएंगे हर घर में कैंसर का पेशेंट, प्रत्येक घर, पैसा अनाप शनाप है लेकिन शरीर बेकार, ऐसा जीवन को सुखी जीवन बोलेंगे? तो आप बताइए आधुनिक ज्ञान हमें क्या कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। ब्रिटिश अंग्रेजों ने देख लिया कि ये लोग जब तक गीता भागवत पढ़ते रहेंगे इनको गुलाम बनाना संभव ही नहीं, इनको गीता ज्ञान इनको पता है कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा आता है, पुण्य से आता है, पैसा पुण्य से आता है, धर्म से अर्थ आता है, ये गीता में बच्चे बच्चे जानते थे, धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से ज्ञान क्या आता है, काम आता है, सुना है ना, धर्म अर्थ चार पुरुषार्थ, क्या क्या है, चार पुरुषार्थ का नाम सुना है आप लोग ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सुना है, क्या बात है, चार पुरुषार्थ लोग का नाम नहीं सुना आप लोग ने, सुना आपने, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष का नाम सुना है आपने, सुना ही होगा ना, कि आजकल के बच्चे नहीं सुन रहे। धर्म से अर्थ आता है, बच्चे बच्चे जानते थे बच्चे पहले कि धर्म से क्या आएगा, अर्थ आएगा, और आज सोचते अधर्म से धर्म आएगा, अर्थ आएगा, कैसे आएगा, धर्म से कमाया हुआ अर्थ ही टिकता है, अधर्म से कमाया हुआ धर्म कभी आपको सुख नहीं दे सकता।
लेकिन आजकल लोग अधर्म करके ही पैसा। गीता में यही सिखाया गया है, अर्जुन धर्म किया विजय हो गया, धर्म की जय हो अधर्म का, सब सिखाया ना पहले, हर कथा में आवाज होते नारे लगाए जाते, और आज क्या सिखाया जाता है, अधर्म की जय हो धर्म का नाश हो, यही सिखाया जा रहा है। नारा नहीं लगाते लेकिन फॉलो यही करते हैं, यही सब लोग फॉलो कर रहे हैं, अधर्म की जय हो धर्म का नाश, यही चल रहा है। विश्वास नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं कंपनी में, सब जगह घोटाला चलता है। इतना पढ़ लिख के PSU ज्वाइन किया, लाख रुपया देता है, बोलता है देखो साइन मारो, क्या करो हम काम करेंगे 1 करोड़ का, लेंगे 10 करोड़, तुम साइन मारो। रोड बनाएगा, माल उठाएगा 10 करोड़, टेंडर खर्चा करेगा 2-3 करोड़, झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, आज ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई, आप एक बार रोड बना देंगे 10-20 साल तक हिलेगा नहीं, एक गिट्टी नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा बनाता है नाला एक जान पूछ के कि 2 साल में उसका थोड़ा बदल जाए, समझ रहे हैं? आज हमारी दादी के 11 बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, सब क्रिकेट टीम होती थी पहले, पहले जमाने में क्रिकेट टीम हुआ करती थी, नानी के भी वैसे ही। कभी सुना है किसी की ऑपरेशन से जन्म हुआ, ऑपरेशन से किसी का जन्म हुआ था क्या आजकल हमारी दादी लोग के समय? और आजकल प्राय बच्चा कैसा, एक मेरी स्टूडेंट थी, पूछिए नॉर्मल थी वो, उसका पति दोनों स्टूडेंट भक्त थे, एकदम नॉर्मल चल रहा था। मैं उसके घर में 2 बार गया भी, कीर्तन भी किया, वो 9 महीने पूरे गीता पढ़ रही थी, भागवत पढ़ रही थी, कि बच्चे को जो पढ़ेंगे वो बच्चे पे प्रभाव, जब घर में बच्चा होता है तो माँ जैसा करेगी बच्चे पे प्रभाव, तो चाहती थी बच्चा अच्छा संस्कारी हो, क्योंकि बच्चा अच्छा निकल गया तो कुल का उद्धार कर देगा, और बच्चा गड़बड़ निकल गया तो पूरा बर्बाद। अगर बच्चा लोभी निकल गया, पापी निकल गया, तो आपने जितना संपत्ति किया ना सब दारू पी के उड़ा देगा, हमने आंखों से देखा है। एक सेठ जी थे, 4 बेटे थे, उन बैंक में मैनेजर थे, करोड़ों रुपया कमाए, पूरा घर बना दिए, बेटा एक बेटे को दारू पीने की आदत लग गई, पूरा घर बेच दिया, इतना दारू पिया, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, बाप के नाम पे 2 लाख रुपया उठा लेगा, बाप सम्माननीय व्यक्ति थे, कोई भी मना नहीं करता था, पैसा उठाएगा बाप, पैसा कौन देगा, चुकाएगा कौन, बाप को बोलने में बनता नहीं कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, मतलब एक समय बाप को फाइनली बोलना पड़ा उसको पैसा मत, फिर भी वो कहीं ना कहीं से उठा ले। एक बेटा अगर खराब निकल गया पूरे कुल को बर्बाद कर देगा, और एक बच्चा अच्छा निकल गया तो पूरे कुल का, गलत बोल रहा हूं क्या? तो भारत में बच्चे बच्चे को ज्ञान था कि धर्म से अर्थ आता है, धर्म से समृद्धि आती है, और आज क्या हो गया है, लोगों को सिखाया जाता है धर्म की जय, अधर्म की जय हो धर्म का नाश। वो मेरा लड़का PSU में काम कर रहा था, 1 लाख रुपए मिलते थे, उसको लिफाफे में 50,000 रुपये डाल डाल के देता, अंडर टेबल क्या बोलते इसको, अंडर टेबल, वो बोलता था नहीं हम नहीं लेंगे, भाई पाप का कमाई कौन लेगा, फंस जाएंगे भाई, समझ रहे हैं, डर लगता था लोगों पाप की कमाई लेने। ये लड़का तो पढ़ा लिखा था गीता भागवत, समझ, तो इसकी जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो मैं 1-2 बार कीर्तन करने गया था, तो बच्ची पूरी हेल्दी थी, 9 महीना प्रेगनेंसी का आ गया, लेकिन हम हेल्दी कोई उसको दिक्कत नहीं। एकाएक डॉक्टर क्या बोलती है कि नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़े। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर था, बोला भाई क्या तकलीफ हो गई वो तो बताइए, तो ज्यादा बहस मत कीजिए, आपको रिक्स लेना तो करवा लीजिए कोई, ये सब राम बाण है क्या है कि आप अपना रिक्स पे जो करना कर, डर के मारे बिचर क्या। पढ़ा लिखा था तो ये बोला
बताइए हुआ क्या है तो बताइए। बोलते नहीं तो क्या बताया था मैं आपको, तो पेट में हाँ बोला क्या गड़बड़ हो गई, तो बोलता है डॉक्टर बोलती है नहीं उसका जो बच्चे का पाइप है फूड पाइप वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है तो खाना नहीं जा रहा है, बच्चे को खाना कॉम्प्लिकेशन हो गया ऑपरेशन कर। तो आप बताइए 9 महीने बच्चा गर्भ में है, बच्चा को कुछ भी होता है माँ को फील होता है, जो गर्भवती माताएं हैं उनको पता होगा बच्चे को कुछ भी होता है माँ को भी फील होता है, बच्चा हिलता है डुलता है पता चलता है। अब बच्चा 9 महीने से उसको कोई तकलीफ नहीं हो माँ को, और एकाएक बच्चे को अगर खाना नहीं जा रहा माँ को कुछ नहीं हो रहा, ऐसा होगा क्या? बच्चे को खाना भी नहीं जा रहा तो माँ को तो तकलीफ होगी ना, तो उस लोगों ने सोचा नहीं ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो बोले नहीं नहीं बोला आप अपना रिस्क पे जो करना कर लीजिए। बोला लेकिन आपको कैसे पता चला कि बच्चे को खाना नहीं जा रहा, लड़का इंटेलिजेंट था तो पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला बच्चे को खाना, आप तो कुछ मतलब वो तो ऐसे डायरेक्ट बोल दी, उसने पूछा तो बोल दी डायरेक्ट, बोला आपने तो कोई एक्सरे भी नहीं किया कुछ नहीं किया, तो पूरा गुस्सा हो गई वो, आपको जो करना कर लिया आप बहस करते इतना इतना बहस करते आप जाइए जहाँ करना है चले। तो ये लड़का पढ़ा लिखा था बड़ा कॉन्टेक्ट वाला आदमी था, तो ये दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर भी नहीं ले रहा था कि नहीं नहीं अब हम नहीं लेंगे, फिर इसका बड़ा पोजिशन पर था तो जुगाड़ बिठा के दूसरे डॉक्टर के पास गया और एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो गया। क्या हो गया? तो ये डॉक्टर क्यों बोली खाना नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा क्यों? सच्ची घटना बता रहा हूँ, 1 महीने पहले उसका इतना सुंदर बच्चा हुआ एकदम नॉर्मल, हजारीबाग में रहता है एकदम अच्छा लड़का, 4 किलो का हेल्दी लड़का हुआ, और डॉक्टर क्या बोलती है डॉक्टर आइन, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो पैसा ऑपरेशन करेगी तो 1 लाख रुपया टर्निंग। अब सोचिए पेट फाड़ दीजिए किसी का कमजोर नहीं हो जाएगी, पेट फाड़ के निकालना मतलब बेचारे फिर सिलाई करना मतलब कमजोर हो जाएगी वो, लेकिन तुम कमजोर हो जाओ मर जाओ लेकिन हमको पैसा दे के जाओ, ये क्या समाज की प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है? तो इसीलिए आज समाज में क्यों ऐसी दुर्गति हो रही है, कोई गीता का ज्ञान नहीं। आप लोग रूम में बैठे हैं सत्यम बोलो, गीता तुम्हें याद है पूरी शास्त्र याद है तुमको याद है? सत्यम शिवम सुंदरम कौन था सुंदर, ये याद है तुम्हें? याद है गीता के श्लोक? कितने श्लोक याद है गीता के तेरे को? हाँ एक भी याद नहीं? अरे बाबा तुम्हें तुम्हें भी याद नहीं? आप लोग को कितना श्लोक याद है तेरे को? हाँ 3-4 बस। कितने श्लोक है इसके अंदर? कितने टोटल श्लोक है इसके अंदर? शिवानी को ये भी नहीं पता है कितने, ये हमारे भारत का जीके नॉलेज, समझ रहे हैं? क्या पढ़ाई की तुमने? हाँ BA तुमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि नहीं क्लास 7-8 में? हाँ तो आपने पानीपत का बैटल का नाम सुना है कि नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ सुना है कि नहीं? सेकंड वर्ल्ड वार सुना है कि नहीं? कब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 में सुना ही होगा। हाँ अकबर का बाप का क्या नाम था सुना है क्या? शाहजहां का बेटा क्या नाम था सुना है कि नहीं? शाहजहां का बेटा क्या नाम था? औरंगजेब। हाँ औरंगजेब का नाम सुना है कि नहीं? बाबर का नाम सुना है कि नहीं? अकबर का नाम सुना है कि नहीं? ये सब जानते हैं। और गीता में कितने श्लोक है? तो आप बताइए जो हमारी इतनी सुंदर ग्रंथ है इसको हम जानते नहीं,
जो इतनी सुंदर ये लॉ बुक है, समझ रहे हैं? आज स्कूल कॉलेज में इतनी पढ़ाई की, तुमने साइंस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, क्या खाना चाहिए पता है? वो पता नहीं आजकल। आजकल का बच्चा पेड़ा नहीं खाना चाहता है। मैं वृंदावन में था, एक बच्चे को प्रसाद दे रहा था कि माँ बाप आशीर्वाद के लिए आए, बोले पूजी आशीर्वाद दी, तो पेड़ा दिया वृंदावन का, तो पेड़ा नहीं खाना चाहता, बोले पूजी दे रहे लो लो। तो मैं पूछा बच्चे से, अच्छा बच्चा फाइव, तुमको फाइव स्टार अच्छा लगता है ये पेड़ा? बोलता फाइव स्टार। फाइव स्टार खाएगा तो 20 साल में दांत सब, पेड़ा खाएगा तो दांत खराब होंगे, पेड़ा खाने से दांत खराब होते हैं, नहीं खाइए फाइव स्टार, वही वही टेस्ट है, दांत खराब हो जाएंगे। आप खाइए रोटी सब्जी पेट खराब होगा, खाइए पिज्जा पास्ता पेट खराब होगा। आजकल का लोग को क्या चाहिए? पिज्जा पास्ता चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रोटी सब्जी नहीं, नहीं पिज्जा खाएंगे। तो प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है? पहले दूध पीते थे, अब चाय पीते। घर घर में क्या, हम सबसे पहले जीवन में, हमको जब उठते थे सबसे पहले चाय मिलती थी। सुबह 5 बजे स्कूल जाना होता था तो मम्मी चाय रोटी दे, चाय बिस्कुट दे। क्या खा के जाना पड़ेगा स्कूल? चाय से दिन चालू होता था। पहले के लोग का चरणामृत से दिन चालू होता था, चायामृत से चालू होता। घर में कोई भी आएगा चाय ले आओ, घर में कोई भी आएगा तो क्या ले आओ? चाय ले आओ। दुकान में जाएंगे कोई भी आए चाय ले आओ। क्या पिलाया जाएगा? चाय, कोको कोला ले आओ। आजकल का बच्चा क्या पिएगा? कोको कोला, पेप्सी, चहारे सब, नींबू पानी नहीं, नहीं कोको कोला। ज्यादातर लोग नींबू पानी पीते ही कोको कोला पीते। आपका गांव है लेकिन आजकल पढ़े लिखे उल्लू क्या करते हैं? जब मैं IIT में पढ़ रहा था तो नींबू पानी कोई नहीं पीता, सब कोको कोला पिएगा, हाँ कि ना? तो पढ़ लिख के होशियार बन रहे कि उल्लू बन रहे? आजकल का बच्चा फाइव स्टार खाएगा, पेड़ा नहीं खाएगा, चाय पिएगा, दूध नहीं खाएगा, हाँ कि ना? गुटखा खाएगा, नहीं बोलेंगे भाई भगवान अनार का जूस पियो समझ। तो क्या प्रगति हो रही है? बोली गीता पढ़ते नहीं, गीता पढ़ते हैं तो हमारी आप लोग से विनती है, अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो रोज गीता पढ़नी। जो गीता पढ़ेगा अच्छे से पढ़नी चाहिए। दो चीज करनी चाहिए जीवन, अच्छा संग कीजिए। आज लोगों को गीता पे विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोग साधुओं को देखते हैं और देखते हैं वो लोग खुद ही पाप कर रहे हैं। चले जाइए आप चित्रकूट, सब साधु तिलक लगा लिया है और गुटखा खाएगा, ये करेगा, लड़कीबाजी करेगा, बहुत सारे साधु लोग काम धंधा करेंगे, से पैसा दो पैसा दो पैसा दो, जहाँ जाइए पैसा दो पैसा दो। आज हम चित्रकूट घूमे थे, जहाँ पर जाओ 500 रुपया दीजिए, ये दीजिए, सब जगह पैसा पैसा पैसा, एक ही मंत्र है, समझ रहे हैं? रुपया पैसा, रुपया पैसा, पैसा पैसा, रुपया रुपया, समझ रहे हैं? कल्लू का मंत्र क्या हो गया? रुपया पैसा, रुपया पैसा, पैसा पैसा, समझ रहे? पेटीएम पेटीएम, आजकल क्या क्या आ गया पसंद, यही सब चल। साधु का कर्तव्य कुछ लेना नहीं है, देना है। तो साधु खाक देगा, उसके पास नहीं होगा तो साधु आसिफ कपड़ा पहने साधु हो जाता है क्या? वो भगवान का जप ही नहीं करेगा, भगवान से प्रेम ही नहीं करेगा, भगवान का कोई आस्वादन ही नहीं करेगा तो आपको क्या देगा? खाक देगा, वो भीख मंगा के तरह भीख मांगेगा बस। और 90% साधु गोल हो रहे, ना उनको गीता ज्ञान है ना भागवत, इसीलिए आजकल के बच्चे को विश्वास ही नहीं होता, समझ रहे हैं? तो दो तरफ से हम लोग मारे जा रहे हैं, साधुओं का अच्छा व्यवहार नहीं है, गीता भागवत समझाने वाला कोई नहीं है, इधर अंग्रेजों ने पूरा उल्टा पुल्टा फैला दिया। 7,27,000 गांव थे भारत में, कितने गांव थे? 7,32,000 गुरुकुल थे,
उन्होंने सब गुरुकुल तुड़वा दी। इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, हिस्ट्री में पढ़ेगा पता नहीं, 1859 में, और उन्होंने बोला कि जो अंग्रेज में हमारी सभ्यता में पढ़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ेगा, उसी को जॉब मिलेगा। और उसके तहत उन्होंने इंडिया महाभारत सबको बोल दिया बेकार। मैकॉले ने रिपोर्ट में बोला एक ही तरीके से भारत को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? एक ही तरीका है कि हर भारतीय सोचे कि भारतीय की सब चीज बेकार, तभी तो वो लोग हमारे को हमारे गुलाम बनेंगे। अगर आपसे मैं अच्छा हूं तभी तो आप मेरे गुलाम बनेंगे। अब आप मेरे से अच्छे तो आप मेरे क्यों गुलाम बनेंगे? तो उन्होंने जान पूछ के भारत की संस्कृति को गोली मारा। और आज भारत में जो अच्छी चीजें थी, आज पहले के बीज अच्छे होते थे कि आज के नए बीज अच्छे हैं? पहले के बीज अच्छे होते थे खेत में कि आज के बीज अच्छे हैं? लेकिन अब सब पहले के बीज मरवा दिए, अब पैसा लेते हैं हर बार बीज का। अरे पहले के बीज 10-10 साल चलते थे, 20-20 साल चलते थे, फ्री में, आदमी को कुछ खर्चा ही नहीं करना होता था। और आज आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे धोखा देकर आपके उन पुराने बीजों को ले लिया गया और बोला ज्यादा कर देंगे फसल, ज्यादा फसल के नाम पर आपको धोखा देते हैं। झूठ बोल रहा हूं क्या? हाँ, आज सब गांव समृद्ध हुआ करते थे, सबको बढ़िया अपना उगा हुआ खाते थे, कोई खर्चा नहीं था, अपना घर अपना उगा हुआ खाना रहना फ्री, खाना रहना और खर्चा क्या है जीवन, रोग होता ही नहीं था, डॉक्टर का खर्चा ही नहीं था, वैद्य हुआ करते थे, फ्री में इलाज करते थे, उनको आप दे दो कुछ और राशन पानी खुश है, आशीर्वाद ले दो उनको वो भी खुश। आज डॉक्टर का बिल भरते भरते मर जाएगा ना बिल। तो आप बताइए धोखा हो रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ? इसीलिए आप लोग से विनती है कि हर एक व्यक्ति को अच्छा संग करना है, और अच्छा संग नहीं मिला तो आप अच्छा संग बनिए। आप बोलेंगे नहीं समाज में कोई अच्छा साधु नहीं है, तो अरे आप बनिए। और साधु के लिए नहीं कि आपको केवल शादीशुदा आदमी भी साधु बन सकता है, बच्चों का सही से ख्याल रखना। अर्जुन भी क्या था? शादीशुदा साधु था। ऐसा नहीं कि साधु केवल हमारे जैसे शादी नहीं करनी, शादी करके भी अगर भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो आप साधु हैं। पति पत्नी मिलके भगवान को केंद्र में रख के अगर भगवान के अनुसार जीवन जीते हैं तो साधु है वो। और कोई साधु केवल लाल कपड़ा पहन ले और स्त्रियों के साथ गलत करे, पैसा के लोभी हो जाए तो साधु क्या खा के? तो इसीलिए आज समाज में अच्छे लोगों की जरूरत है, है कि नहीं सत्यम? हाँ। तो आज हम लोग को सिखा दिया गया सब रामायण से बेकार है। अभी बगल में हनुमान धारा है, चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर पानी जब पहाड़ से अपने आप गिर रहा है, बताओ कैसे, कहाँ सा साइंस का लॉजिक है कि पानी गिरेगा? बोलिए पहाड़ में पानी इतनी तेज धारा से कैसे आ जाएगा? पहाड़ के अंदर तेज धारा से पानी कैसे आ जाएगा भाई? कोई मशीन फिट है क्या अंदर में? आप बताइए इसका क्या लॉजिक? इतनी तेज धारा से एक मिनट में करीबन 10 लीटर पानी आ जाता है, 10 लीटर ज्यादा आ जाता हूं, इतनी धारा से बह रहा है, रात से नहीं बह रहा है, एटलीस्ट हजारों सालों से बह रहा है, 500 साल पहले भी चेतन महापौर तो बह रहा था, बड़े बड़े संत 1000 साल पहले ही बता के गए कि आ रहा था पानी उस समय भी, समझ रहे? अब बताए वहां क्या क्या कैसे पानी आ रहा है? विज्ञान तो फेल है, समझ रहे? आप अभी जी भरतकूप में जाइए, वहां का पानी एकदम जड़ी बूटी है, पीजिए एकदम आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, समझ? अभी जस्ट चित्रकूट से आ रहा हूं, समझ रहे? वहां पर आज भी आप जाएंगे, फटिक शिला है, समझ रहे, हनुमान धारा है, फिर आपको राम कुंड है। तो राम जी काल्पनिक थे तो इतनी सारी चीज कैसे आ गई? आज भी भरद्वाज जी का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, अयोध्या है, सरयू नदी है, रामेश्वरम है, द्वारका के अंदर जाएंगे अभी भी द्वारका का अंश है, वो जो ब्रिज टूटा था आज भी ब्रिज का अंश है,
सेटेलाइट से देखा जाता है, तो ये सब क्या झूठ है क्या? तो रामायण नहीं हुई थी क्या? जो जो स्थान रामायण में दिए सब मिल रहे हैं, तो आप बताइए सही गलत है क्या? बताओ सत्यम, तो रामायण गलत है, महाभारत गलत है, जितने भी स्थान दिए सब मिल रहे हैं, गीता में जो ज्ञान दिया वो सब मैच करता है, साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट देख रहे हैं, इसमें जो दिया सही दे रहा, गीता में जो ज्ञान दिया वो एकदम प्रैक्टिकल है। युक्त आहार, ज़्यादा भी मत खाओ कम भी मत खाओ, अब ज़्यादा खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, कम खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं एकदम सटीक बोल रहे हैं। बड़े बड़े लोग विदेशों में इसको टेक्स्ट बुक बना दिया गया, इतनी सुंदर बुक, मन का ज्ञान सब ज्ञान इसमें दिया गया। आज कोई स्कूल कॉलेज मन का ज्ञान बताते हैं? मन कैसे काम करता है? गीता में सब ज्ञान है। नहीं, दुर्भाग्यवश हमें गीता पढ़ाई नहीं जाती। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। आप लोग से विनती करेंगे कि आप लोग कुछ समय थोड़ा सा इस चीज़ को दें, क्योंकि इतना 20 साल अपने पढ़ाई कर ली, कितना साल उम्र हो गया सत्यम तेरा? 21 साल आपका, 22 आपका, तो 20 साल पढ़ाई करके आपका भय खत्म हुआ कि अभी भय है? थोड़ा सा डर लगता है क्या होगा, जॉब लगेगा कि नहीं, अरे इतना खर्चा किए, भय लगता है कि नहीं? तो 20 साल पढ़ने के बाद भय नहीं खत्म हुआ तो क्या लाभ? बोली आजकल लड़कों विवाह का टेंशन रहता है, कहाँ होगा नहीं होगा, लड़की सही आएगी कि नहीं आएगी, बहुत टेंशन वाली बात है। कल एक लड़के से बात हुआ, IIT से पढ़ा हुआ, 36 साल की उम्र हो गई, 34 साल की शादी नहीं किया, बोले अरे उम्र हो गई शादी समय पे कर लो, क्या तो अब संन्यास लेना संन्यास ले लो, तो शादी समय पे करो, 40 साल की उम्र शादी करेगा क्या? फिर बुढ़ापे में बच्चे होंगे, मतलब क्या करेगा पता नहीं। आजकल यही सब हो रहा है, लोग डर के मारे शादी नहीं करते कि क्या होगा कैसी लड़की आएगी, समझ रहे? फिर पैसा कमाने पर, एक लड़की बहुत पैसा कमाती है लेकिन शादी नहीं होता है, 35 साल की हो गई बुढ़िया का फिर एनर्जी नहीं बचता है, फिर बुढ़ापे में बच्चा पैदा होगा तो स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे, आप पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे। सब सब ज्ञान गीता में दिया है, सब सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज मन के बारे में। कितने लोगों को लगता है गीता पढ़नी चाहिए? हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो मेरी आप लोग से यही विनती है, एटलीस्ट आप लोग रोज, समझ रहे हैं? ज्ञान तो बहुत है देने को लिए, मैं रात भर बोल सकता हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो साधु हूँ, मैं तो, लेकिन आप लोग सुन सकते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे को बोलने की दिक्कत नहीं, हम तो रात भर हरी कथा बोल सकते हैं, नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं हरी कथा में जो आनंद है, और मैं आपको जानबूझ के भगवान की बड़ी बड़ी लीला नहीं बता, बिकॉज आपको बेसिक ही क्लियर नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें बोल दूं लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं, आपको तो एडुकेशन सिस्टम सिखा रहा है कि 4000 साल पहले पहला औजार बना है, तो आपको मैं रामायण कथा सुनाऊं लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं। आज भी आप जाएंगे वहां पर पत्थर में भगवान राम के चरण के निशान है। गए आप लोग चित्रकूट? देखिए क्या अंग्रेजों ने कितना बड़ा साजिश किया है, आज बच्चा जो है बगल में धाम नहीं जाता नहीं। आज नासा ने रिसर्च किया है, नासा नाम सुने साइंस में, क्या है नासा? मैं नाम क्या है नासा? हाँ साइंटिस्ट, नासा साइंटिस्ट है, हाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, का नाम है नासा, बहुत रेप्यूटेड इशू। उसने पाया है कि गंगा जल को जब जहाज भेजते हैं विमान, तो वो बहुत सालों तक वो जहाज ऊपर आसमान में रहता है सेटेलाइट, कोई 6 महीना घूम के आने में लग जाता है, तो पानी लेके जाना पड़ता है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि एक बार पानी भरने के बाद फिर भर लेंगे टैप से, एक बार जो लेके वही 6 महीना चलाना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो जब पानी लेके जाते तो एक बार में ले जाना पड़ता है, तो यूजुअली पानी अगर आप रखेंगे
दस पंद्रह दिन बासी हो जाता है, चार पाँच दिन बाद पानी फिर उसमें, दस दिन आप भर के रखिए पानी को कहीं पर, एक बोतल में दस दिन पुराना पानी पियेंगे आप, क्या होगा वो खराब होने लगता। दो महीना पुराना पानी पियेंगे आप, चार महीना पुराना रखा हो पुरानी पुराना पियेंगे, रोज़ हम लोग फ्रेश पानी लाते हैं, चार महीना पानी पुराना, तो अब वहाँ पर कैसा पानी पीना पड़ेगा छः महीना बाद आएगा तो, छः महीना पुराना बासी पानी वो तो ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने पाया गंगा जल ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता, ये साइंटिस्ट नासा ने रिपोर्ट किया, नासा ने पाया है कि गंगा का जल, ये सब साइंटिस्ट में रिसर्च बता रहा हूँ। तो आप लोग युवा पीढ़ी में हैं और भी सब लोग के लिए बता रहा हूँ, माँ बाप सबका कर्तव्य गीता को बढ़िया से पढ़ना, समझ रहे। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास आके, प्रभु जी हम माला कर रहे हैं हमें अभी तक भगवान प्राप्त नहीं हुए, हम रोज दो घंटा पूजा करते हैं भगवान प्राप्त होंगे भी नहीं आपको, केवल पूजा करने से कुछ नहीं होता है, आप पूजा करेंगे और जानेंगे नहीं क्या कर रहे तो कैसे लाभ होगा, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। आज लोग घर में किसी की पूजा कर देते, घर में मंदिर बना लेते, किसी को भी रख देते, कहीं पर भी जाते वैष्णो देवी को भी रख दिए, पार्वती को भी रख दिए, शिव को भी रख दिए, कृष्ण को भी रख दिए, तिरुपति वाला सब को रख देते और तीन ठो अगरबत्ती लेके आते और माचिस जलाते हैं और ऐसे करके एक बार में सबको दिखा देते और फिर घूम के इधर उधर भी दिखा देते, कोई छूटा तो नहीं, ये घर घर में करते हैं कि नहीं। तो किसको दिखा रहे आप, किसको दिखा रहे हैं, कौन भगवान आपको पता ही नहीं है, सब है। कोई पत्नी अपने पति का पूजा करे, सभी पति है, तो ऐसे कैसे बोले, सभी मनुष्य को बोले आप मेरे पति है, सबको दिखा देता, ऐसे थोड़ी ना होता, फिर उसका कोई पालन पोषण नहीं करेगा, समझ रहे। ठीक है, एक पति होता है, कोई स्त्री बोले नहीं मैं सब पति, तो कौन उसको पैसा देगा, समझ रहे, कौन उसके लिए साड़ी लाएगा, सभी हमारा पति है, दो चलता है। और आज हम लोग भारत में भगवान का जाइए घर में, हर घर में 90% घर में जाइए, समझिए इस घर में तो देखा नहीं मैंने, लेकिन 90% घर में पूजा का रूम में सब डाल देते, समझे, कोई ये बाबा जी को भी डाल देगा, ये भी डाल देगा और अगरबत्ती दिखाएगा, ये कोई भक्ति है। अरे गीता में तो ऐसा नहीं बोला कि सबकी भक्ति करो, गीता में भगवान बताया मैं भगवान मेरी पूजा कर। तो दुर्भाग्यवश हम लोग गीता भागवत कैसे, आप दो घंटा पूजा करेंगे लेकिन आपको यही नहीं पता है, कोई पत्नी है पति को जानती नहीं और सबको पूजा करेगी तो कौन साइड लाएगा उसको, कैसे सुखी हो सकते, कोई स्त्री अब किसी को पति नहीं है उसका, समझ रहे हैं, समझ रहे, और कोई ये रास्ते में मिले उसको पूजा करने लगे, सही है ऐसा करना, कैसे सफल हो सकती हो। वैसे आज हम किसी की पूजा कर लेते तो पूजा का क्या लाभ, पहले पता तो होना चाहिए किसकी पूजा करे, कोई बोलता है शिव भगवान है, कोई बोलता है विष्णु भगवान है, कोई बोलता है सभी भगवान, कोई बोलता है हमारा तो बेटवा भगवान है, हाँ तो माई बाप भगवान, कोई बोलता पैसा ही भगवान है, ये क्या झूठ मूठ का नौटंकी, तो क्या फायदा आपका पूजा का, हम सोमवार ही करते हैं, हम इतवार को नमक नहीं खाते हैं, हम शुक्रवार ही करते हैं, हम ई करते हैं, हम ऊ करते हैं, सब धोखा दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं अपने आप को, कुछ नहीं होगा, बिना जाने किए हुए पुण्य से ज्यादा लाभ होता, थोड़ा लाभ होता है ज्यादा लाभ, बिना जानकारी के कुछ करने से कम लाभ होता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें आज भारत में क्यों ऐसा है, क्यों गीता नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, गीता में बताया गया क्यों पूजा करनी चाहिए, सब लोग आरती करते हैं कि नहीं, कभी ना कभी किए होंगे, कितने लोग अगरबत्ती दिखाए आज तक, हाथ खड़ा कीजिए जितने आज तक अगरबत्ती दिखाई है, कभी आपने नहीं दिखाई अगरबत्ती, वही तो बोल रहे भाई, दिया दिखाया कि नहीं,
दीप दिखाया कि नहीं, दीप दिखाया कि नहीं किसी ने, सबने दिखाया होगा, कितने लोग दिखाया, हाथ खड़ा की, सबने खड़ा, हाँ खड़ा करना पड़ेगा, आप सबने दिखाया, अब बताइए क्यों दिखाते हैं, बताइए तो, हाँ भगवान को प्राप्त करने धूपे दिखाना है क्या, टॉर्चे दिखा देंगे, अब भगवान को अंधेरा लगता है ना, भगवान को रोशनी की कमी है ना, इसलिए दिखाते हैं ना, क्यों दिखाते हैं दीप भगवान को, उनको बेचारे अंधेरे में रहते हैं ना, रोशनी दे देंगे, बोलो शिवान जी क्यों दिखाते हैं भगवान को दीप, रोशनी की कमी है ना, किस लिए भगवान को दीप दिखाते, मन की शांति हो, टॉर्चे दिखा दीजिए, रोशनी देना है तो टॉर्च दिखा दीजिए, क्या झूठ बोल रहा हूँ, टॉर्च दिखा दीजिए, इसमें क्या है, दीपे क्यों दिखाते, तो जानकारी नहीं है, समझ रहे हैं? क्यों संग बजाते हैं? जानते नहीं, भगवान को जल भी अर्पित करते हैं, क्यों अर्पित करते हैं? जानते हैं। भगवत गीता में 7वें अध्याय के 4वें नंबर श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, सुन सकते हैं 5 मिनट लेट हो रहा तो बताइए, हम बंद कर देंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो पागल आदमी हैं, समझ रहे हैं, मेरे साथ जो रहता है वो लोग तो पागल हो गए, एक तो बुलुड़क गया लगता है, समझ, एक तो प्रकट हो गया, समझ रहे, क्योंकि अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो बोलिए हरी बोल, तो मैं क्या बताया था आप लोग को, हाँ ये श्लोक बोलिए मेरे पीछे, भूमि अपो अनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसका सिंपल मीनिंग है, ज्यादा कठिन नहीं है, भगवान बोल रहे हैं भूमि अपो अनल वायु खम, ये पंच महाभूत, कोई भी चीज आप देखेंगे उसका निर्माण ये 5 महाभूत से होता है, खिड़की देख लीजिए, पंखा देख लीजिए, अग्नि, कुछ भी देखेंगे 5 चीज, हमारा शरीर भी 5 महाभूत से बना, शरीर में कुछ ठोस पदार्थ हैं, कुछ जल पदार्थ हैं, ब्लड कैसा है, जल है, अग्नि है पेट में, भूख लगती है कि नहीं, वो क्या अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, हवाएं बहती हैं, प्राण वायु अपान वायु, आकाश, तो इस सृष्टि में 5 चीजों सब कुछ बनाया जाता है, ये जो भी बनती है किससे बनती है, और इसको छोड़ के और कुछ है तो बोलिए, तो भगवान बोले 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म चीजें हैं, मन बुद्धि और अहंकार, भगवान बोले 8ों चीज किससे आती है, मेरी शक्तियां हैं, भूमि अपो अनल वायु खम, भूमि मतलब ठोस पदार्थ, भूमि अपो मतलब जल पदार्थ, अनल मतलब अग्नि पदार्थ, भूमि अपो अनल वायु हवा, और खम मतलब आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 भगवान बोल रहे हैं, इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्ट, ये अष्टदा, ये 8 चीज मेरी प्रकृति, किसकी है ये, भगवान की, आप बताइए सत्यम, जब तुम जन्म लिया तो कितना छोटा था, इतना था, समझ रहे हैं, हवा किसका लिया तुम, हवा लेते ना, सांस किसकी ले रहे हो, कोई आदमी जब ये जन्म लिया था सत्यम, तो आपका बेटा है ना, तो आप देखे थे इसका 4 सिलेंडर के साथ जन्म लिया था कि नहीं, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जन्म लिया था, लिया था ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जन्म लिया था क्या, अच्छा एटलीस्ट सीवम तो लिया होगा 2 ठों के साथ, कोई भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पैदा हुआ ना, हाँ कि नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे, भगवान की ले रहे, पानी किसका ले रहे, खाना किसका ले रहे, देखिए भगवान की सृष्टि, आज आम के बीज को डालिए पृथ्वी जमीन पे, आम के बीज को तोड़ लीजिए एकदम चूर कर लीजिए, मीठा है उसमें, आम का बीज तो मीठा नहीं होता, मिट्टी मीठी होती है, पानी मीठा होता है, कोई मीठा नहीं, और आम के बीज में पानी डालिए मिट्टी डालिए क्या आ जाती, मीठा आम कहाँ से मीठा सा, और बगल में मिर्चा डाल दीजिए, मिर्चा के बीज में तीतापन नहीं है, मिट्टी में तीतापन नहीं है, झाल नहीं है, पानी में झाल नहीं, उसमें कैसे आ गए, एक में मीठा एक में वही भूमि, कैसे
कौन कर रहा है? भगवान करे तो भगवान खाना दे रहे, भगवान पानी दे रहे, भगवान हवा दे रहे, दे रहे कि नहीं? तो और हमने इतना बड़ा बड़ा शरीर बना लिया अपना, है कि नहीं? आप बताइए, आज आप अपना घर बना रहे कहीं पर, आज आपकी जमीन आप क्या बना रहे? लेबर को लाए और उससे आपने क्या बनवाया? घर बनाया, मिट्टी दे दिया, गिट्टी दे दिया, रड़ दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया और उसने घर बना दिया। घर आप उसका मिस्त्री का हुआ कि आपका हुआ? बोलो सत्यम, तेरा हुआ कि नहीं, कि मिस्त्री का हुआ? मिस्त्री बोले नहीं, हमने बनाया, मेरा घर है। अरे पगलवा, सामान हम दिए, मेरा जमीन, तेरा कैसे हो गया? तो ये छोटे बच्चे थे सत्यम, और किसका खाना खाए? हवा किसका लिए? पानी किसका लिए? शरीर किसका हो गया इतना बड़ा? ते शरीर किसका है? हम लोग किसका मानते हैं? तो दुखी नहीं होंगे क्या? कभी सिखाया गया साइंस में, हिस्ट्री में सब चीज? जब जानते शरीर भगवान का और उसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, सुखी रहेंगे। आपने गाड़ी खरीदी और ड्राइवर लिया, तो गाड़ी ड्राइवर की हुई कि आपकी हुई? और ड्राइवर अपने मर्जी से चलाए तो सुखी रहेगा? आप ड्राइवर को बोले भाई चलो, मान लो ड्राइवर लेके आए और ड्राइवर को बोले चलो भाई मैहर चलो, कल परसों ड्यूटी मंडे को चालू, और ड्राइवर ले जाए अपना उसका गांव में, पत्नी बुला रही है चला गया वो, समझ रहे हैं, बनारस चला जाए, मारेगा दो थप्पड़, निकाल देगा उसको, कह रहे भाग यहाँ से, समझ रहे हैं? वैसे हमें भगवान ने दिया शरीर, तो भगवान के अनुसार चलाना होगा ना। भगवान बोलते दूध पियो गाय का, हम पियेंगे भैंस का दूध, तो कैसे होगा? समझ रहे? गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, समझ रहे? चाय से तो बढ़िया है भैंस का दूध, समझ रहे? चाय तो और भी खराब। भगवान बोलते पेड़ा खाओ, हम खाएंगे फाइव स्टार। भगवान बोलते घर में खाओ, हम खाएंगे बाजार में गोलगप्पा। और झाल मारो, घर में राइस दाल, टिकिया चाट, पकौड़ा, बाजार का नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बाजार में क्या होता है, किस लिए बनाता है? पैसा कमाने के लिए। किस लिए बनाते हैं बाजार के लोग? सेवा करने के लिए ना, कि आइए मेरे घर में गोलगप्पा खाइए, सेवा रुपए फ्री में खिलाएगा, है कि नहीं? फ्री में खिलाया कि नहीं? हाँ, किस लिए डोसा का दुकान बनाता है बाहर? वो पैसा कमाने के लिए बनाया, तो उसके साथ रहेंगे सुखी रहेंगे आप? और माँ घर में प्रेम से बनाई है उसको बच्चा खाना, समझ रहे हैं? गांव का नहीं बताओ, शहर में ही होगा। बढ़िया चीज नहीं खाया, केवल एक ही सब्जी खाया क्या? आलू। क्या खाएगा वो? एक ही सब्जी खाया क्या? तो भगवान जो बता रहे वो नहीं करेगा तो सुखी रहेगा? तो इसीलिए भगवान के अनुसार जीवन जीना है। किसके अनुसार जीवन जीना है? ठीक है, किसके अनुसार जीवन जीना है? भगवान। तो भगवान क्या कैसा चाहते हैं, किसमें दिया हुआ है? तो शरीर भगवान ने दिया है, तो उनके अनुसार जीना पड़ेगा ना। गाड़ी आपकी है तो ड्राइवर को आपके हिसाब से चलाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? तो शरीर को कैसे चलाना है, मन को कैसे रखना है, कैसे जीवन यापन करना है, कहाँ दिया हुआ है? कितने लोग गीता पढ़ेंगे? वेरी गुड। ठीक है, माता ही नहीं पढ़ेंगी क्या? हाँ, सबको पढ़ना है, नहीं पढ़े डंडा लेके आएंगे हम, पिटाई करेंगे, समझ रहे? बहुत जरूरी है सब पढ़ना। आज हम इतने बदमाश लड़के थे, पढ़ाई लिखाई के लेकिन फिर भी बदमाश, समझ रहे? लेकिन जब हम गीता पढ़े, हमारा बदलाव आ गया, समझ रहे? हमारा लोभ कम हो गया, नहीं तो हम करोड़ों रुपया कमाते लेकिन दुखी रहते। सुख का कारण पैसा नहीं है, मन की स्थिति है। क्या है? जिसके मन में लोभ आ गया सुखी नहीं रह सकता। के मन में क्या आ गया? आपके पास कितना भी आप 10 आइटम खा रहे हैं और दूसरे के प्लेट में देखेंगे, अरे 12 आइटम, और घर में 4 आइटम खा के सुखी है और उसका प्लेट देखे, तो
तो गीता में भगवान देखते हैं, दूसरों का मत देखो, अपना देखो, मन को संतुलित करो, तब सुखी होगे। ये सबका ज्ञान, इसलिए करोड़पति होके भी सुसाइड करते, क्योंकि मन संतुलित। इसलिए आप लोग सबसे विनती है कि रोज आप लोग को 15 मिनट दे समय देना है। कितना दे समय देना है? दे सकते हैं? हाँ, भगवत गीता पढ़नी है, ठीक है। और आप लोग को और 10 मिनट समय देना है। किसका शरीर है? भगवान का, हमारे निगरानी में, तो हमें अच्छे से इसका ख्याल रखना है, समझ रहे हैं। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, इनका नाम है गौरांग और नित्यानंद। क्या नाम है? गौर नितान। ये है गौर, गौरांग महापू, श्री कृष्ण भगवान कलयुग में आए हैं किसके रूप में? गौरांग महापू के रूप। और ये है नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, ये नित्यानंद प्रभु के रूप में है। और इन्होंने हर व्यक्ति के क्या लेके आए? गिफ्ट लेके आए। भगवान हमको देने के लिए आते हैं। तो 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, भगवत गीता दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग गीता को फॉलो, भगवान ने बोला मेरा हमेशा नाम लो, सब कुछ छोड़ो, मेरा नाम लो, मेरा भजन करो, मैं सब देख लूंगा, नहीं लोग सुने ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, बोले ठीक है, सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम मेरा नाम लो। क्या लो? थोड़ा देर ही लो। तो उन्हें बहुत सरल तरीका दे दिया भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को अनुकूल बनने के लिए, सभी कलयुग के दोषों से निकलने के लिए। वो है हरे कृष्णा महामंत्र। कार्ड है? हरे कृष्णा कार्ड, कार्ड का है। तो मैं आप लोगों को छोटा गिफ्ट दे रहा हूँ, इसके लास्ट पेज में जाएंगे आप, बीच में फोटो भी है भगवान का, देखे कार्ड मेरे को दो। तो ये हरे कृष्णा जो लिखा हुआ है आगे, बीच में राधा कृष्ण का फोटो है, उपहार है, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है हाँ। और पीछे पेज में जाएंगे, सबसे लास्ट पेज में, ठीक है। तो लास्ट पेज में ऊपर में एक मंत्र है, ये गौरांग इन दोनों का मंत्र है, एक मेरे पीछे दोहराइए, नीचे लाइन में, समझ रहे हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये मंत्र जो है चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, इन्होंने दिया है। तो इन्होंने क्या किया? दयावश पहले गीता में भगवान ने बोला पाप छोड़िए और मेरे मन लगाइए, दारू छोड़िए, नशा छोड़िए, बीड़ी छोड़िए, प्याज लहसुन छोड़िए, मांस छोड़िए, तब जाके मेरा भजन, समझ रहे हैं। लोभ छोड़िए, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, तब मेरे पास आई। लेकिन लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे, तो फिर भगवान दया करके बोले ठीक है, तुम लोग जैसा आ जाओ, तुम लोग से नहीं छूट रहा, आ जाओ, हम छुड़वाते। तो इनकी कृपा के बाद आज पापी लोग भी भक्त बन रहे हैं। नहीं तो पहले भक्त बनना बड़ा महात्मा बड़े मुश्किल से कोई बनते थे। इनकी कृपा से आज विदेशी लोग भी जो पापी तापी थे वो लोग भी भक्त बन जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? अपराध का झंझट हटा दिया। तो इन्होंने बहुत सरल विधि दी है। तो हम लोग सब, इन्होंने जो गिफ्ट दिया है भगवान का नाम क्या दिया है? चेयर पे बैठ जाए, मतलब चेयर दे दे, क्योंकि तो जिस तरीके से आप आसानी से बैठ सके, कथा सुननी ज्यादा जरूरी। तो इन्होंने हमारे लिए गिफ्ट लेके आए, क्या गिफ्ट लेके आए? नीचे लाइन में लिखा हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बैठ जाए माता जी। तो हमारे लिए क्या लेके आए? उपहार लेके। कहाँ से लेके आए? भगवान गोलोक से, अपने धाम से लेके आए। क्या लेके आए? इस ब्रह्मांड के बाहर भगवान का धाम है, वहां से हमारे लिए क्या लेके आए? भगवान को इस जगत में आने की जरूरत है? वो तो अपने धाम में सुखी है, ये हमसे दया करके लेके आए। और इन्होंने क्या किया? इन नामों में पूरी शक्ति डाल दी। चैतन्य महाप्रभु बोलते नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति।
ऐसा कोई काम है जो भगवान नहीं कर सकते? जिनके शरीर से ब्रह्मांड आते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी सारी शक्ति कलयुग में किसमें डाल दी? नामों में डाल दी। बोले आप बोलेंगे हरे कृष्णा तो भगवान की सब शक्ति वहां आ जाती। वहां अपनी, जैसे आज हम लोग कामतगिरी में परिक्रमा कर रहे थे, सुबह से हम कुछ खाए नहीं थे, समझ रहे, और 5 किलोमीटर में परिक्रमा की पता भी नहीं चला। सब लोग बोलते हो गया, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस क्या कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। भगवान का नाम बिना किए कीजिए नहीं होगा, थक जाएंगे। हम लोग रुके भी नहीं ज़्यादा, कंटिन्यूस चले, समझ रहे, नहीं थकान भी, क्यों? भगवान के नाम। एक बार एक बूढ़ी माता जी आई थी यात्रा में, तो उनके पति ने बोल दिया था, प्रभु जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो चल नहीं पाएगी। हमने बोला देख ले आप टोटो से आ जाइएगा, हम चलते तो बहुत दूर दूर चलते हैं, तो फिर हम घुमाने लगे तो बोल दिया टोटो से आ जाइएगा, हमको क्या। फिर वो बोलते थे थोड़ा देर चलते, तो कीर्तन चालू कर दिया हम लोग ने, चलते गए। हम लोग 18 किलोमीटर चल लिए, मैं सब स्थानों को दिखाते एकदम, यहाँ पर ये स्थान है, तो तीर्थों को देखा रहा था वो माता जी। फिर बाद में क्या हुआ, टोटो वाला जो था चीटिंग करने लगा। दोपहर का समय हो गया था, 3 बज गए थे, हमें प्रसाद के लिए जाना था, तो फिर हम लोग सोचे घाट से 2 किलोमीटर टोटो ही चल जाते, तो पहले 10 रुपया बोला था, फिर देखा इतने लोग 100-200 लोग थे, तो उसने रेट बढ़ा दिया 20 रुपया कर दिया। अब तो ये लोग कैसे जाएंगे, थके हुए हैं, पहले 10 बोला था, लास्ट मोमेंट में हम लोग कुछ और अरेंज भी नहीं कर पाए, वो तो पहले 10 बोला था एकाएक। अब हम लोग चिंतित हो गए, भाई 10 बोल के तुरंत 20 कर रहा है, मतलब तो गलत है ना, दे देंगे पैसा, लेकिन चीटिंग करोगे ऐसा तो गलत है भाई, कल फिर और लोग आएंगे हमारे, फिर उनके साथ चीटिंग करेगा। हमें बहुत बुरा लगा, हम लोग चर्चा करें क्या करें, अब ले जाना ही पड़ेगा जो भी हो। चर्चा कर ही रहे थे तब सब लोग से हमने पूछा, भाई 1 किलोमीटर और है, 18 किलोमीटर चल चुके हैं अब, तो बोले पूछिए क्या दिक्कत, चले ना कीर्तन करेंगे पहुंच जाएंगे। और वो माता जी वहाँ थी, मैं पता नहीं था, वो भी 18 किलोमीटर पैदल चली थी, वो बोलती है कि प्रभु जी कितना दूर, 2 किलोमीटर चलिए ना क्या दिक्कत। जो बोले थे कि प्रभु जी हम 10 मीटर नहीं चल पाएंगे, हमको ग्राउंड फ्लोर में रूम दीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर हम चढ़ नहीं पाएंगे, वो कितना किलोमीटर चल ली, कैसे चल ली, भगवान का नाम साथ में हो तो। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, दरकार
तो भगवान क्या करते हैं, हमें हर कदम में मदद, समझ रहे हैं? तो भगवान की कृपा सब कुछ संभव, तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेना है, लेकिन सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं बस कोई बोल दिया ले लिए और फिर नहीं मन लगा छोड़ दी। ये भगवान की भक्ति एक विज्ञान है। क्या है? तो पहले हम नहीं करते थे, हमारे घर में होता था हम भाग जाते थे, हम समझ में नहीं आता था कि क्या है टाइम पास है। और देखते भी थे जो मंदिर में पुजारी हो सिगरेट भी पी रहा है, और पापा बोले पाँव छुओ, मन करता है दो थप्पड़ मारे, समझ रहे, सिगरेट पी रहा है गलत काम कर रहा है उसका पाँव छुओ, समझ रहे हैं? तो हाँ, कैसे पाँव छुएगा आपको? ठीक, छोटे बच्चे छोड़ देते लेकिन बड़े होने के बाद मेरा मन, तो साधु लोग सब चौपट, गीता पढ़ते नहीं थे हम लोग, पढ़ेंगे भी तो कोई समझाने वाला नहीं है। तो जब हम इस्कॉन से जुड़े और हमें अच्छे तरह समझाया गया, बहुत सारे अच्छे संतों से मिले, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली, हमने गीता अच्छे से पढ़ी, हमें बहुत लाभ हुआ। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भी पढ़ें, और विशेष करके गीता का जो सार है वो है भगवान को पुकारना, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बनाया। सब कुछ किसने बनाया? हमने बनाया? उन्होंने बनाया, उनके अनुसार हमको जीवन जीना, समझ रहे हैं? तो उनके अनुसार जीवन जीना है, तो अभी तो मेरे को समय लगेगा और समझाने में, लेकिन आप भगवान का नाम लेंगे तो आप देखें आपका मन संतुष्ट हो जाए, आपके अंदर से जो गलत वासनाएं अपने आप खत्म, आपके अंदर सब अच्छे गुण आने लेंगे भगवान का संग करेंगे तो। और कलयुग में भगवान बोला मैंने सब शक्ति डाल दी इसके अंदर। किसमें शक्ति डाल दी भगवान ने? नामों में। तो आप नाम करेंगे ऐसी दिव्य शक्ति आ जाएगी आपके, असंभव भी असंभव। इसीलिए आप लोग सबको क्या करना चाहिए? रोज भगवान का नाम। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, नारद मुनि पूछे कलयुग में तो छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाएगा, लोग के अंदर ऐसे गंदे विचार रहेंगे। बिहार में इतना घोटाला हुआ, अभी एक तो ब्रिज तोड़ दिया, मतलब ऐसा नकली माल से बनाया था 1850 करोड़ रुपये का ब्रिज, समझ रहे हैं? तो आज इतना शोषण हो रहा है क्यों? लोगों के अंदर इतना गलत काम आ गया, वो कलयुग का दोष है। तो नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मा जी क्या उपाय है कलयुग में लोगों का? तो उन्होंने बोला इति षोडश नाम नाम कली कलमस नाशनम, यह 16 शब्दों का जो महामंत्र है ये कली के कलमस का नाश कर दे। तो मैं आप लोग से विनती करूंगा, जो मंत्र लिखा हुआ है पीछे इसको हम लोग रोज आपको 10 मिनट जब माला कहा है, तो जो माला है एक माला दो मेरे को, देख सब कुछ माला दो, इसको ऐसे पकड़ना है, इस उंगली से नहीं पकड़ना, ये गुरु मणि है, इस पर जप नहीं करते, ठीक है? और इस उंगली से नहीं पकड़ते, दूसरों का दोष दिखाते। तो हम लोगों का जीवन में प्रगति करने दूसरों का दोष मत देखिए, दूसरों को अपना दोष देखिए, अपने को सुधारिए, सबको माला देखे, समझ रहे हैं? तो इस उंगली से क्या करते हैं हम? दूसरों का दोष दिखाते हैं। अपने में दोष नहीं है क्या? हमारे अंदर इतने दोष है, दूसरों का दोष दिखा क्या लाभ? तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को सुधारता है। किसको सुधारता है बुद्धिमान व्यक्ति? किसको सुधारता है? समझ रहे हैं? हम सुधर जाएंगे तो दुनिया भी सुधर जाएगी, हम ही नहीं सुधरेंगे तो फिर तो सब लोग सीधे बैठ जाएं पद्मासन में, ठीक है? तो आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस लें 3 बार, पूरी गहरी सांस लें, और सांस छोड़ते समय सभी चिंताओं को भी छोड़ दें। अब आप भगवान के नाम का संपर्क करने वाले हैं, सोचिए भगवान ने अपनी सब शक्ति किस में डाल दी? अपने नामों में। तो
भगवान का संग करेंगे इतनी शक्ति आ जाएगी, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कैसे पता चलेगा आपको सच्चा ज्ञान मिल रहा है, भय खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा। तो भगवान का नाम चूंकि सत्य है, पद्म पुराण में वर्णन आता है नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम चिंतामणि है। चैतन्य रस विग्रह, इसमें एक एनर्जी है, चेतना है। आज जो भी चीज दुनिया में है ये सब अचेतन है, इसमें कोई शक्ति है, लेकिन भगवान का नाम जीवित है। क्या है? चैतन्य रस है इसके अंदर, चैतन रस विग्रह। यह मूर्तिमान क्या है? चेतना का स्वरूप है। भगवान का नाम क्या है? मूर्तिमान चेतना का। तो आप इसका जप करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? दिव्य सक। लेकिन कैसा होना चाहिए? नाम जप एकदम ध्यान पूर्वक होना, और क्या होगा? पूर्ण शुद्ध, आप पूरे शुद्ध हो जाएंगे। अगर रूम में गंदगी है, अभी हम मान लीजिए जब लोग खाना खाते हैं फिर रूम गंदा हो जाए, सो पाएंगे आप? उसको साफ करेंगे फिर कैसा लगेगा? फिर आप प्रेम से अच्छी नींद, अब गंदगी में सो जाएंगे तो नींद आएगी। तो हमारे हृदय में गंदगी है तो अच्छा लगता है? कभी काम परेशान करता है, कभी क्रोध परेशान करता है, कभी लोभ परेशान करता है, परेशान हो जाए। इसलिए जीवन की सुखता सुखता किसमें है? हृदय को शुद्ध करने में। मंदिर जाने से नहीं होता है। एक व्यक्ति मंदिर जाता है, शिव जी के ओम नमः शिवाय बोलता था तो शिव जी प्रकट, बोलो बेटा बोलो, तो सत्यम गया, तो शिव जी आप प्रकट हो गए। अरे जल्दी प्रकट हो गए। एक बाइक चाहिए, क्या चाहिए? 2 लाख वाली चाहिए, क्या चाहिए? 2 लाख वाली बाइक तो किस लिए? शिव जी थोड़ा आप तो समझ, ठीक है तथास्तु। और सत्यम के पास क्या आ गई? 2 लाख वाली बाइक। आप सत्यम पूरा एकदम बैठा 100 के नीचे तो चलाना ही, चाहे गांव हो या शहर, जो 100 के नीचे चलेगी नहीं हमारे, समझ रहे? और इसका दोस्त दोस्त था, तुम्हारा दोस्त है कोई आसपास? क्या नाम है उसका? हाँ, आदर्श मान ले। आदर्श के पास देखा 2 बाइक आ गई, वो भी मंदिर जाता था, वो भी पूजा करता, उसके पास कितनी आ गई? 2 आ गई। उसने भी शिव जी, उसने क्या मांगा है शिव जी से? कि जो इसको मिले डबल मिल जाए। अभी परेशान हो गया, 2 बाइक आ गया, तब फिर पूजा किया, फिर शिव जी पे, अब कहा जी, मतलब 2-व्हीलर में कभी एक्सीडेंट होने का डर लगता है ना, गाय हुआ बहुत स्पीड में रहते गिर जाने का, 4-व्हीलर दे दी, मतलब कौन सा कंपनी? मर्सिडीज दे दी। आप तो मर्सिडीज में लेके घूम रहे, समझ रहे? तब तक देखा आदर्श के पास 2 मर्सिडीज, यही तो खतरनाक है, 2 मर्सिडीज। आप बुद्धि लगाया, फिर शिव जी के मंदिर गया, शिव जी प्रार्थना किया, अब क्या चाहिए? उसी अब कहे कुछ चाहिए नहीं, अब धन्यवाद देना चाहता। वो शिव जी एक बात बताई, आपने हमको 2 दिया। शिव जी 2 से कितना उंगली दिखता है? सबको 2 से कितनी उंगली दिख रही है? 5। और 1 बंद करेंगे तो कितनी उंगली दिखेगी? 5। शिव जी जब 2 से भी 5 उंगली दिखता है, 1 से 5 उंगली दिखता है, 2 का जरूरत क्या? 1 फोड़ दीजिए। तो शिव जी बोले तथास्तु, 1 गए हो गए। अब गया दोस्तों के पास, देखा आदर्श अंधा हो गया, अभी ताली मारा, मजा आ गया, मजा आ गया। अभी भी इसका मन नहीं माना, समझ रहे? अब फिर पूजा किया, शिव जी बोले अब क्या चाहिए? बोले शिव जी एक अक्षर दिखे ना, हाँ वो तो ठीक है, अब क्या चाहिए? शिव जी 1 पांव से भी तो चल ही लेते हैं, 1 पांव से भी थोड़ा स्पीड कम होगा लेकिन मोटा मोटी काम हो जाता है, समझ रहे? 1 पांव उड़ाइए। तो 1 पांव उड़ गया, तथास्तु बोले। आप देखा आदर्श बगल में पूजा कर, सो दूरों पांव लुटक गया, आप ताली मारा, अरे मजा आ गया रे। तो मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, मन को शुद्ध करना होता है। क्या करना होता है? आज मंदिर जाते हैं लेकिन मन को शुद्ध नहीं करते, चित्रकूट धाम जाते फिर भी गांजा फूंकते, फिर भी लोभ है, फिर भी गलत चित्र देखते हैं, फिर भी चीटिंग करते हैं, तो क्या लाभ?
इसलिए भगवान का भजन अच्छे से करना चाहिए, तो हृदय शुद्ध हो, तो पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, आप सब वासना गंदगी से मुक्त हो जाएंगे भगवान का नाम अच्छे से, क्योंकि तो भगवान का नाम भगवान से, तभी हम लोग भगवान का नाम लेंगे। और चूंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, आप खुद अनुभव करेंगे कि 10 मिनट बाद आपका मन पूरा शांत हो जाए, 10 मिनट बाद आप देखेंगे आपको सुख लगेगा, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। आपको सीधा बैठना है पद्मासन में, ठीक है, इस उंगली से नहीं पकड़ना है, और जोर जोर से जप करना है। कलयुग में 3 तरह के जप होते हैं, उपाम सुमन में, लेकिन कलयुग में मन में जप नहीं करना है, क्योंकि मन क्या होता है, बड़ चंचल है कलयुग, मन में बैठे अरे तो कहीं और चला जाएगा, अरे बरसात तो छत्ता में कपड़ा सुखाए थे, बारिश हो जाएगा का? तो मन क्या बड़ा कलयुग का, अरे जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे 3 लाख रुपया खर्चा कर दी, अरे बड़ा मन चंचल। इसलिए कलयुग के मन के लिए क्या बताया गया है, जोर से जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, स्पष्ट होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठीक है। और कोरस में जप करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्ण आप हरे राम नहीं, साथ साथ, ठीक है। तो सब लोग सीधे बैठ जाएं, और चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले मंत्र दिया, सब लोग ऐसे पकड़े, इस उंगली से नहीं पकड़ना, ठीक है। और हर गोटी पे पूरे 16 शब्द बोलने हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर एक गोटी में जाए। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने मंत्र सबको दिया, तो लोगों ने पूछा सबको ये मंत्र दे रहे हैं, ये तो ब्राह्मण केवल कर सकते हैं, जो शुद्ध वो कर सकते हैं, सबको मत दीजिए। महाप्रभु बोले सबका उद्धार कैसे होगा, तो महाप्रभु ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, हम नया मंत्र दे देते, क्योंकि बृहद कली संतरण उपनिषद में मंत्र जो है उल्टा, हरे राम से चालू होता। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है हम नया मंत्र दे देते, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, क्योंकि ये वैदिक मंत्र नहीं, इसलिए कोई भी कर सकता है, कोई मांस खाने वाला भी इस मंत्र को, चाय पीने वाला भी कर सकता है, तंबाकू खाने वाला भी कर सकता है, और करते करते छोड़ देगा। लेकिन पहले का नियम था छोड़ो फिर करो, तो बड़ा कठिन था। अब महाप्रभु ने बोला तो जो चाय पीते हैं, जो प्याज लहसुन खाते हैं, मांस खाते हैं, वो मंत्र नहीं कर सकते, वो मंत्र नहीं कर सकते, कोई पाप करता नहीं, कर झूठ बोलता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मंत्र करने से कोई भी आदमी मंत्र, विदेशी पापी तापी जो दिन में 3 बार गाय का मांस खाते थे, वो लोग भी पाप करते माला करते करते शुद्ध हो। आप लोग गए मायापुर नहीं गए, तुम क्या किया 15 साल से कभी लेके नहीं गया, इसी एक नंबर का धोखेबाज, समझ रहे, अपना केवल फायदा उठाता है, घर वालों को फायदा नहीं देता है, तुम्हें लेके गए बाकी लोग को, इसीलिए सत्यम फंसा पड़ा अभी, बोलता है 4000 पहले 1000 साल बना, 1000 बन, समझ रहे, मायापुर जाना चाहिए, बड़ा सुंदर धाम है, ठीक है, जो भी है, वृंदावन तो गए ना, वृंदावन भी नहीं गया तू, एक बकेट पानी ले आना मेरे, मैं डूब के मर जाऊंगा, तुम क्या किया रे, चाचा होने का कोई फर्ज नहीं निभाता है, पैसा बचाता है, पैसा ले जाने में पैसा खर्चा होता, समझ रहे, तो ये लोग क्यों नहीं गया तेरा भाई लोग ये लोग को नहीं ले गए, आपसे भुआ होके एकदम, समझ रहे, बच्चा लोग कभी गीता पढ़ाया नहीं, हमको पढ़ाना पड़ रहा है इतना साल, अब जितना बड़ा हो जाता उतना मुश्किल होता है, समझा, समझ रहे, उतना गलत संस्कार ले लेता है, समझ रहे, इसलिए बचपन से बच्चों को ठीक है। तो अब सीधे बैठ जाए और चैतन्य महाप्रभु का पहले मंत्र बोलिए, क्योंकि उनके द्वारा हम लोग मंत्र करेंगे, मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, ठीक है। अब साथ साथ कोरस में जप करेंगे, ज्यादा स्पीड भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब लोग बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधा, शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा। हाँ, कैसा लग रहा है सबको? हाँ, अभी 10 मिनट हमने भगवान का संग किया अच्छे से, कितने लोग था? शांति लग रहा है? हाँ, मन शांत लग रहा है कि नहीं? भय खत्म हो रहा है कि नहीं? अब कोई डर लग रहा है? ऐसा एनर्जी आ जाता है। तो आप लोग से ये विनती है, रोज आपको 10 मिनट, ये आप हमसे खुश है ना? तो गुरुजी को दक्षिणा देनी होती, तो दक्षिणा के आधा घंटा देना पड़ेगा। एक माला जप करेंगे 10-15 मिनट लगेगा, एक या दो माला, और 15 मिनट आपको गीता, ठीक है? हाँ, तो आप लोग से ये विनती है, हम तो पूछ पूछ के कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हम तो पहले 1 घंटा पहले ही बोलते बंद कर दो, आप लोग बोले करिए, हम तो बोले हम तो रात भर जग सकते, हमको कोई टेंशन। हाँ, खाने के बाद नींद आ जाती, बिने भजन खाली पेट अच्छा भजन, ठीक है? जो भी है, अभी हम लोग यहाँ पर विराम देना चाहते हैं, ठीक है? और आप लोग से विनती है, रोज आप लोग को ये माला ले लो एक बार। हाँ, माला सबसे ले लीजिए, ठीक है? वो कार्ड रखिए अपने पास, ठीक है? तो जो लोग ही माला करेंगे अभी मेरे से फिर से ले लेंगे, ठीक है? और आपको मैं गीता भी दूंगा, ठीक है? सबके पास अपनी अपनी गीता होनी चाहिए, अपनी टेक्स्ट बुक होती है ना सबके पास, वैसे सबके पास क्या होनी चाहिए? अपनी गीता, उसमें आप नोट्स भी बना सकते, गीता के ऊपर नहीं लेकिन डायरी रख के नोट्स। मोबाइल सब लोग अपना रखते हैं कि नहीं? तो वैसे सबका माला होना चाहिए कि नहीं? आपकी अपनी माला होनी चाहिए, समझे? बहुत लोग एक घर में एक माला से बोलते सब कर ले, ऐसा नहीं होगा। सबके पास अपनी माला, अपनी गीता। जब मोबाइल अपना होता है तो भाई गीता भी अपनी, हमारी हो गए कहीं पर कॉलेज पढ़ने के लिए, अपना गीता साथ में, कोई चीज ले जाए नहीं ले जाए, गीता हमेशा अपने साथ, ये हमारे जीवन का धन है, ठीक है? तो आप लोग सबको हम ये उपहार देंगे गीता, ठीक है? पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सत्यम, ठीक है? तो आप सबको प्रसाद का रेडी करो, मैं तब तक सबको गीता और माला दो, और प्रसाद भी हमारे पास, ये वृंदावन का प्रसाद है, चक्कू है, कटिंग करो, ठीक है? मैं आप लोग